वेलकम बैक स्टूडेंट्स, इट्स मूव इट एंड वी आर लर्निंग आयनिक रेडियस। देखो मैं बता रहा था आयन्स क्या होते हैं। ये सपोज करो सोडियम है, न्यूट्रल एटम है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या बन जाता है, Na+। तो जब ये कर रहा होता है, इसमें कितना होता है, इसका एटमिक नंबर कितना है, 11 है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अब जित एटमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन सपोज करो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो क्या हो गया, एटमिक नंबर तो 11 ही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, 10 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेंस सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, क्योंकि उसने लूज़ कर दिया। क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, सेंटर में होता है, वो कभी लूज़ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स ही आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, उसे हम लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे समझना है कि आयनिक रेडियस जो होता है, जो ये पॉजिटिव चार्ज वाले कहलाते हैं, वो कहलाते हैं केटायन। क्या बोलते हैं, केटायन। अब सपोज़ करो एक दूसरा है, क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या बनाता है, Cl-, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। इसका एटमिक नंबर कितना होता है, 17, मतलब प्रोटॉन कितना है, 17, इलेक्ट्रॉन 17। लेकिन जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऐड हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सपोज करो ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ये बन गया, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है, इसके बाद पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, निकलने के बाद क्या हो गया, अंदर प्रोटॉन्स तो 11 ही रहे पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव 10 हो गए। तो ये क्या करेगा, अब 10 को बहुत अच्छे से अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। पहले ये दोनों 11-11 थे, ठीक है, लेकिन अब बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन 10 है लेकिन प्रोटॉन अभी भी सेम है, 11 ही है। तो 11 पॉजिटिव चार्ज के लिए 10 नेगेटिव चार्ज को खींचना क्या होगा, थोड़ा आसान रहेगा। तो साइज अंदर जब खींचने की कोशिश करेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो केटायंस होते हैं, न्यूट्रल एटम से छोटे होते हैं, ये न्यूट्रल एटम है तो इससे छोटा क्या होगा, केटायन होगा। लेकिन केस में एनायंस में क्या होता है, क्लोरीन का देखो हमने बताया, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, Cl- बनाया। अब इसके अंदर कितना प्रोटॉन है, 17, इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से 17 है, तो 17 पॉजिटिव चार्ज, 17 है। लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन को अब ले लिया और, अंदर प्रोटॉन कितना है, 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाहर, 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ये बाहर रिपेल करने की कोशिश करेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, क्योंकि ये 17 ही है और ये 18 है, तो इनका इस बार क्या है, वेटेज ज़्यादा है, तो ये बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, तो जिसके कारण एनायंस क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है, क्या कोई पैरेंट एटम हो, न्यूट्रल एटम, केटायंस छोटे होते हैं और एनायंस बड़े होते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करो हमारे पास एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अगर आपको याद हो तो क्लास 9 में एक दो बार केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों से जब मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे तो मैंने डिस्कस किया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोटोप्स वगैरह। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, जैसे O2-, O में कितना होता है, 8, 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो 10, F9 होता है, एक ऐड हो गया 10, सोडियम 11 होता है, एक लूज़ कर दिया 10, 12 होता है, 2 लूज़ किया 10, इन सब में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसमें पूछे आपको कि इसको अरेंज करो आयनिक रेडियस के हिसाब से, तो क्या हमने बोला यहाँ पे, केटायन छोटे होते हैं, पैरेंट एटम उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा एनायन होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज छोटा होता है। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा साइज उतना ही छोटा होगा, नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा साइज उतना ही बड़ा होगा। तो हमने क्या बोला, पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला सबसे छोटा होगा, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2+ है, मतलब ये सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा क्या होगा, सिंगल पॉजिटिव वाला, ठीक है, उसके बाद सिंगल नेगेटिव वाला बड़ा और डबल नेगेटिव वाला उससे बड़ा। तो इस तरीके से ट्रेंड अरेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज़ अबाउट आयनिक रेडियस, थैंक यू।